हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत इन खूबसूरत से बोगनविलिया के फ्लावर्स के साथ, जो कि साल भर ही बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं। कटिंग से लगाया था मैंने ये, और छोटे से पॉट में लगा हुआ है। मेरे पास और भी कई बोगनविलिया के प्लांट है। यहाँ पे यूफोर्बिया मिले की मैंने कटिंग लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने गार्डन वर्क का छोटा सा अपडेट कि क्या चल रहा है मेरे गार्डन में इस समय। काफ़ी टाइम से मैंने कोई ओवरव्यू नहीं दिया है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने विंटर फ्लावरिंग सीड यहाँ पे लगाए हुए हैं। विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके सीड्स लगाए हुए हैं, क्योंकि मुझे सीड से ही प्लांट ग्रो करने होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो प्लांट मिलते नहीं कि मैं जाके लेके आऊँ। तो ये बड़ी परेशानी है मेरे लिए, तो मुझे सीड से ही लगाने होते हैं। करीब करीब 8 दिन हो गए हैं इन सीड्स को लगाए हुए, तो अब इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है। और फ्लावरिंग प्लांट पे मुझे लगता है फ्लावरिंग जो सीड होते हैं वो थोड़ा लेट जर्मिनेट होते हैं, वेजिटेबल वाले जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पे ये हमारा रेन लिली खिला हुआ है, जबकि बारिश यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन रेन लिली ऐसे बीच बीच में खिलते रहते हैं। यहाँ पे सारे बल्ब वाले प्लांट मैंने सेव करके रखे हुए हैं, इन पर वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, हिबिस्कस की कटिंग मैंने लगाई थी, इसे अब मैंने ट्रांसप्लांट कर लिया, अच्छे से रूट आ गई थी उस पर। और काफ़ी टाइम से मैं गार्डन में कोई खास काम तो नहीं कर पा रही हूँ, और बहुत ही अच्छे ऐसे कोई फ्लावर्स भी नहीं है अभी मेरे गार्डन में। विंटर के तो कुछ भी फ्लावर नहीं ऐड हुए हैं, बस रीज़न वही है कि यहाँ पे प्लांट मिलते नहीं हैं, तो अब मैं सीड से ही ग्रो कर रही हूँ। दीपावली के काम के चलते पहले काम हो नहीं पाया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टमाटर का प्लांट है जो कि खुद से निकल आया था गार्डन में, तो मैंने इसे एक ग्रो बैग पे, यानी कि होममेड ग्रो बैग पे लगा दिया है। और मैंने इसकी अभी तक तो कोई केयर नहीं की। इस पे टमाटर भी आया था लेकिन मंकी ने तोड़ लिया, ग्रीन था और तोड़ दिया। इसीलिए मैं वेजिटेबल्स नहीं ग्रो करती हूँ, क्योंकि मंकी हमारे यहाँ पर बहुत परेशान करते हैं। मैंने कई बार ने वीडियोस में शेयर किया हुआ है रीज़न, और उनके वीडियोस भी। यहाँ पे देखिए, टमाटर के प्लांट्स खुद से निकल आए हैं एक टब में, जिसमें मैंने धनिया लगाया था। तो ये देखिए, इसमें अब छोटी सी टमाटर भी बन रही है। तो मैंने बताया था एक बार अपनी गार्डनिंग फ्रेंड को कि हमारे गार्डन में काफ़ी सारे टमाटर के प्लांट निकल आए, तो उन्होंने कहा था दिखाइएगा ज़रूर, तो इसीलिए मैंने दिखाया। यहाँ पे हमारे हिबिस्कस और ये अपराजिता, ये अब डोरमेंसी में जाएंगे। और अपराजिता ये वाइट वाला है, इसे मैंने काफ़ी हद तक प्रून कर दिया था, क्योंकि अब ये डोरमेंसी में जाएंगे तो इनकी पत्तियाँ झड़ रही थी, लेकिन प्रून करने के बाद इस पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और यहाँ पे कुछ हमारे ये मैरीगोल्ड, और ये देखिए जीनिया पे पूरी तरह से ये वाइट फंगस जो कि पाउडरी मिलियो होता है, पूरी तरह से लग गया है। मैं इसका अब ट्रीटमेंट करूँगी, और कुछ और भी प्लांट्स पे लगा हुआ है जो मैं आपको आगे दिखाऊँगी, और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ आगे की वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे भी कुछ समर के ही प्लांट है, ये टिकोमा है जिसकी पत्तियाँ काफ़ी हद तक झड़ गई हैं, और इन्हें भी अब मैं प्रून कर दूँगी। यहाँ पे देखिए रोज़, ये मैंने कटिंग से लगाया था, और इसमें फ्लावरिंग एक दो होती रहती है। आज 2 फ्लावर आए हैं इस पर, और इसे मैं अब फर्टिलाइज़र दूँगी। इसे मैंने अभी तक फर्टिलाइज़र नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ वही समर के ही प्लांट है, चांदनी है और मधुमालती है, मोगरा है। मोगरा में फंगस लग गया था, पूरी पत्तियों में कीड़े लग गए थे, तो मैंने इस पर पूरी पत्तियों को हटा दिया और फंगीसाइड का स्प्रे किया था, इंसेक्टिसाइड का। और यहाँ पे देखिए, ये डबल चांदनी, जो सीज़न नहीं है तो इसके फ्लावर ऐसे बुझे बुझे से है। ये लास्ट फ्लावरिंग ही है इनकी, अब फिर ये डोरमेंसी में चले जाएंगे, पत्तियाँ गिरा देंगे। यहाँ पे देखिए, हमारे कॉस्मोस काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मंकियों ने किस तरह से पूरा बर्बाद कर दिया। बहुत अच्छा घना सा प्लांट हो गया था, बहुत सुंदर लग रहे थे इसके फ्लावर्स, तो मंकियों ने पूरा अटैक किया और ख़राब कर दिया। ये कुछ और भी सीड्स जो मैंने डाले थे, तो इन पर प्लांट निकल आए हैं। यहाँ पे हमारा अलमंडा, इस पर भी फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन इसके फ्लावर थोड़े छोटे हो गए। और इस पर देखिए, कलियाँ अभी भी काफ़ी सारी बनी हुई हैं, आज इस पर कोई फ्लावर नहीं दिख रहा है। और ये प्लांट मेरा अब थोड़ा रूट बाउंड भी हो रहा है, लेकिन अभी मैंने इसके पॉट में कुछ सीड डाल दिया है, तो उन्हें मैं जब अलग करूँगी उसके बाद ही फिर इसे रूट बाउंड है तो इसे रिपोर्ट करूँगी। यहाँ पर देखिए हमारी ये ग्लैडिया, इनका भी अब सीज़न जा रहा है, मतलब कि इनके क्या होते हैं, एक प्लांट ख़राब होते हैं और जब दूसरे प्लांट रेडी होते हैं तो उनमें फ्लावरिंग होती है, तो इन्होंने काफ़ी फ्लावरिंग कर ली है, अब इन पे सीड बनेंगे। और ये हमारा
क्रैनबेरी हिबिस्कस, इसे मैंने काफ़ी जगहों से प्रून कर दिया, काफ़ी लंबा लंबा सा होता जा रहा था, फ्लावर्स काफ़ी अच्छे दिए इनने, इस पर मैंने वीडियो भी बना के रखा है लेकिन अभी तक शेयर करने का नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर आए थे मैरीगोल्ड पे, अच्छे बड़े बड़े फ्लावर आए थे, लेकिन दीपावली पे मैंने सारे फ्लावर ले लिए थे। अब दोबारा इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे ये छोटे वाले मैरीगोल्ड का मैंने जाफरी मैरीगोल्ड जो होता है उसकी कटिंग लगाई थी, लग गई है। और ये सारे मैरीगोल्ड के जितने भी प्लांट हैं इनमें से मैंने फ्लावर ले लिए हैं। और यहाँ पे देखिए ये खुद से निकल आया था रेनी सीज़न में, केले के प्लांट के साथ ये खुद से निकल आया था। तो सीड कहीं से आ जाते हैं मिट्टी में, तभी प्लांट निकल आते हैं, खुद से कैसे निकलेंगे। तो इस पे भी काफ़ी अच्छे फ्लावर है, ये देखिए देसी पिटूनिया, और इसके भी सीड काफ़ी जल्दी बन जाते हैं, इजीली निकल भी आते हैं। मैंने कुछ सीड डाले भी हैं इसी पॉट में, तो देखिए छोटे छोटे से आप देख पा रहे होंगे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। ये देखिए सीड भी है, तो ये इस तरह से इसके सीड होते, काफ़ी बारीक होते, पिटूनिया के जैसे ही होते, जो विंटर के हमारे पिटूनिया होते हैं सेम वैसे ही होते हैं, लेकिन इनका थोड़ा प्रोपोगेशन आसान होता है। यहाँ पे जरबेरा, इसके भी मैंने कुछ फ्लावर्स ले लिए थे दीपावली पे, यहाँ पे ये कॉप्सकॉम। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं जो बोल रही थी आपको सनफ्लावर, जो कुछ और भी प्लांट में फंगस लगा है, तो सनफ्लावर के प्लांट जितने भी हैं अनहेल्दी से है। यहाँ पे देखिए जीनिया पे लगा था, तो मैंने इन पे स्प्रे किया था जो मैं इसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, तो अब देखिए जो नई पत्तियाँ आ रही हैं उन पर कोई फंगस नहीं है। पाउडरी मिल्यू का जो फंगस होता है बहुत ख़तरनाक होता है, पौधों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। यहाँ पर कुछ ये कॉप्सकॉम के फ्लावर्स और सनफ्लावर के प्लांट जो मेरे हैं डेड से हो गए, उन्हें हटाना है। यहाँ पे डहेलिया देखिए काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, एक प्लांट मेरा काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और दूसरे में अभी तक कोई फ्लावर नहीं आया है, तो आएगा। यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग लगाई हैं और ये लग भी गई हैं, देखिए पता नहीं किस चीज़ के सीड मैंने साथ में डाले हुए हैं, मैं भूल जाती हूँ सीड डाल के कि मैंने कौन से सीड डाले हुए, मैं नाम भी लिखना भूल ही जाती हूँ। यहाँ पर कुछ मेरे इंडोर वाले ऑर्नामेंटल प्लांट्स रखे हुए हैं, ये तो कोलियस है, इसे मैं सोच रही हूँ कि अब कटिंग कर करके और भी इसके प्लांट रेडी कर दूँ, ये लैगी सा हो गया है, और ये वाला हमारा कोलियस काफ़ी सुंदर हो रहा है। तो तीन चार वैरायटी है मेरे पास कोलियस की, यहाँ पे क्रोटन है और ये एरोकेरिया। ये प्लांट मेरा एक बार रिपोर्टिंग के टाइम पे टूट गया था, इसका टिप टूट गया था, तो मुझे डर था कि इसका शेप अब नहीं बन पाएगा, लेकिन ये ठीक हो गया है धीरे धीरे। शेफलेरा, और इस पर मैंने कटिंग्स भी लगाई हुई हैं, काफ़ी इजी प्रोपगेशन है इसका कटिंग का, जल्दी वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ पर क्रोटन भी मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं, और ये एग्लोनिमा और ये ड्रेसिना, और यहाँ पे देखिए केल के प्लांट मेरे लास्ट ईयर के चलते आ रहे हैं, अब इन्हें मुझे फिर से लगाना है, इनकी कटिंग लगाना है। और ये देखिए ये वाले क्रोटन से मैंने कटिंग ले लेके लगाई हुई है। यहाँ पे ये मेरे एस्टर है या डेजी है, मुझे इस पर थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर आपको पता हो तो बताइएगा। यहाँ पे देखिए डायंथस है और कॉर्निशन, ये मेरे लास्ट ईयर के प्लांट है, इनके अलावा मेरे पास कोई विंटर के प्लांट नहीं है। और ये कलांचू को तो मैंने रेडी किया था, तब वीडियो शेयर किया था, और ये क्रोटन मैंने कटिंग से ही लगाया है, ये भी अच्छे से बढ़ रहा है। यहाँ पे कोचिया के बाकी के प्लांट्स जो कि मैंने कल ही वीडियो शेयर किया हुआ है इनके सीड कलेक्शन पे, तो देखिए किसी फ्रेंड ने कहा था आपके पास तो काफ़ी सारे सीड हो गए, तो जी हाँ मेरे पास काफ़ी सीड हो गए, और देखिए और भी प्लांट है, इनमें से भी मैं काफ़ी सारे सीड और भी कलेक्ट कर सकती हूँ। तो यही बेनिफिट होता है हमारा सीड कलेक्ट करने का, कि एक सीड से पौधा जब रेडी होता है तो हमें ढेरों सीड्स देके जाता है। और यहाँ पे देखिए ये वाले रोज़ का अपडेट मैं आपको दे देती हूँ, जो कि रूट रॉट हो गया था और जिस पे मैंने वीडियो भी शेयर किया था, तो इसकी ग्रोथ देखिए आप, अब इस पे पत्तियाँ रेड वाली आ रही हैं, मतलब अब इसमें फ्लावरिंग होगी। यहाँ पे पर्पल हार्ट और ये सनफ्लावर देखिए, इस पर भी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, अब ये भी प्लांट धीरे धीरे ख़राब होगा। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा अपडेट मेरे गार्डन का, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके।